नमस्ते एवरीवन। और हर एक गृहिणी को हर सुबह ये चिंता फिक्र रहती है कि हम आज क्या ब्रेकफास्ट में बनाएं। तो आज मैं आपको पोहे के उत्पम बनाना बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो आप जैसे कि 4-5 लोगों के लिए है तो आधा किलो पोहा का पैकेट होता है, उससे थोड़ा सा कम पोहा जो है आप थोड़ा सा भिगो दीजिए। तो पहले उसको थरली वॉश करेंगे, उसको दो तीन पानी से वॉश करने के बाद जो है उसे भिगो देंगे। तो जब पानी को हम निथारते हैं तो निथार के पूरा निथार देंगे और फिर उसको रख देंगे। तो जो भी थोड़ा भी मॉइस्चर, तो जो भी पानी उसके साथ अटैच होता है, मतलब उसके साथ पोहे के साथ होता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके पोहा फूल जाता है। फिर पोहे को हम जो है करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे और हम वेजिटेबल कटर से गाजर है, शिमला मिर्च है और टमाटर को जो है महीन महीन उसको ग्राइंड कर लेंगे। और यदि आपके पास वेजिटेबल कटर नहीं है तो आप कद्दूकस से भी उसको घिस सकते हैं। अब जैसे सपोज 4 लोग के लिए बनाना है तो 2 गाजर ले लीजिए, 2-3 शिमला मिर्च ले लीजिए, 2-3 टमाटर ले लीजिए। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको जैसे ज़्यादा सब्जियाँ जिसको खानी रहती तो 3 गाजर ले लें और 3-4 टमाटर ले लें, और शिमला मिर्च वो ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकता है। और यदि जिसको जो बहुत कम थोड़ा सा सब्जी डालना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको रेशियो यूज़ कर सकते हैं। पोहे जो हमने रखे थे आधे घंटे के लिए, उसको हम मिक्सी में और उसको अच्छे से पीस लेंगे, तो बारीक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, उसको एक बाउल में ले लेंगे और फिर जो भी बारीक कटी हुई सब्जियां हैं उसको हम उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, तो सॉल्ट जैसे 4 लोग के अकॉर्डिंग जो 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो यूजली क्या होता है कि हम जब यूजली जो लोग खाना रेगुलरली बनाते हैं, उनको फैमिली को बनाते हैं, तो उनको पूरा अंदाज़ा होता है कि मैं कितना सॉल्ट डालना होता है। तो यूजली 4 लोगों में जो है, जैसे एक छोटा सा आपने प्लास्टिक का स्पून लिया तो वो मेज़रमेंट के लिए, तो मेज़रमेंट तो उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो लोगों को पता होता है कि कितना सॉल्ट उसमें पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है आप उसमें बारीक कटी हुई सब्जियाँ डाल दीजिए। बारीक कटी सब्जियाँ डालने के बाद उसमें 1/4 रवा ऐड करेंगे और 1/4 जो है उसमें चावल का आटा डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक पेस्ट बना लेंगे और फिर उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर जो है तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर हम उसके ऊपर जो है एक कलछुली के द्वारा जो है हम उसको पूरा स्प्रेड करेंगे पेस्ट को। और करीब छोटा आपको जिस साइज़ का बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो कुछ लोग छोटा भी बनाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा साइज़ भी बनाते हैं, तो मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। तो मीडियम साइज़ बनाने का ये होता है कि यूजली पलटने में थोड़ी आसानी रहती है, अदरवाइज़ क्या होता है कभी कभी टूट भी जाता है उत्पम। तो आप मीडियम साइज़ बना लीजिए और उसको बहुत धीमी आँच पे नहीं, ना फुल आँच पे, आप मीडियम से थोड़ा तेज़ आँच पे उसको करेंगे, उसको धीमे धीमे पलटते भी रहेंगे। फिर थोड़ा सा धीमी आँच पे थोड़ी देर पकने दीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से पक जाए। फिर थोड़ी सी आँच तेज करके उसको थोड़ा सा लाल कर लीजिए अच्छे से, और पलट के कुरकुरा सा हो जाएगा, फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यूजली आप सांभर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने सांभर नहीं बनाया है, मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया है, तो चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको खा के देखिए, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पोस्ट कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।